हाय फ्रेंड्स, आप सभी का नैप्स की रसोई में स्वागत है। और आज मेरी मम्मी बनाने जा रही है शोरशे इलिश। ये बंगाली का बहुत ही स्पेशल डिश है। आप लोग इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले इन मछलियों को अच्छे से धो लिया है और उसके बाद सिल बट्टे में इसके लिए मसाला पीसेंगे। तो ये है 2 चम्मच सरसों और इसमें हम डालेंगे 10-12 ब्लैक पेपर और इसके साथ ही हम डालेंगे 5-6 हरी मिर्च और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से पीस लेंगे और इसमें 1/2 चम्मच हम मम्मी ने जीरा भी डाला है और अब इसको पीसेंगे। इसमें अदरक डालना भूल गए थे तो 1/2 इंच इसमें अदरक भी डालेंगे और फिर इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। ये मसाला अब अच्छे से पीस चुका है, एकदम महीन करके पीसना है। तो अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। और ये रहे फिश, इलिश मछली बोलते हैं इसको, इल्शा फिश। और इसमें अब हम डाल देंगे जो मसाला हमने पीसा था और उस मसाले को अच्छे से अभी हमें इसमें मिक्स करना है। इसमें डाला है 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच लाल मिर्च। और लाल मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे हम 4 बड़ी चम्मच सरसों का तेल और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर 20 मिनट्स के लिए एक प्लेट से कवर करके रख देंगे। मिनट हो गए हैं, कुकर कर लिया है हमने गरम और कुकर में डाला है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और उसमें डाला है 1 तेज पत्ता और थोड़ा सा जीरा। और जब जीरा क्रैकल हो जाए उसके बाद हम एक एक करके इसमें सारी इलिश फिश डाल देंगे। और उसके बाद 1 ग्लास के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूंगी तो मैं इसी मसाले में ही पानी डालकर वो पानी इसी में डाल दूंगी। तो इससे क्या होगा, इस बर्तन में जो मसाला है वो वेस्ट भी नहीं होगा और वो मसाला इसमें चला भी जाएगा। और इसमें डाला है 3 हरी मिर्च और उसके बाद कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 4 सीटी आने तक का वेट करेंगे। तो कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, 4 सीटी आ चुके हैं। तो चलिए अब कुकर का ढक्कन खोलकर देखते हैं और अब हमारी मछली तैयार हो गई है। ये देखिए कलर कितना सुंदर आया है, मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर। तो चलिए अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बर्तन में मैंने निकाल लिया है। ये शोरशे इलिश खाने में सच में बहुत ही टेस्टी लगता है, ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए भी नहीं होता और बहुत इजीली बन भी जाता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।